मोहब्बत की कहानी खत्म हो चुकी जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा तो पुर्तगाल से बेहतर जैसे कहते हैं कि अमलों का दारदार नीतू पारा है कोलंबस ने अमेरिका और मलक अरसलान ने पुर्तगाल को दरिया किया है, है। यहाँ पर जिंदा दिन लोग हैं परियों का पूरा बरेआजम है हाँ तो भाई असलकुम ये अरसलान भाई का चैनल है और इन्होंने बहुत लोगों को इंटरव्यू लिया है आज इनसे मैंने माइक छीना है और आज इनका इंटरव्यू होगा आज अरसलान भाई कैमरे से बाहर आ जाए आज आ जाए अरे अरसलान भाई आए अच्छा अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई कैसे हैं आप वालेकुम सलाम बिल्कुल ठीक ठाक जबरदस्त आप सुनाए कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर ये ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है पोर्चुगल के अंदर कोई इनका तारुफ़ करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये कौन है ये क्या काम करते हैं इनका पॉर्चुगल में क्या काम है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है सही है अब मैं इन्होंने हमारे बहुत इंटरव्यू लिए बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी लाइफ पूछी और आप लोगों को फ़ायदा दिया अब उस बंदे की हम ज़रा लाइफ पूछो उसकी क्या शक्ल है तो अरसलान भाई साहब ज़ीरो से ले एंड तक चलते हैं अरसलान भाई मुनासिब समझ के कुछ बताएं हमें जनाब मैं खा कैंट से स्टडी करता था जब बच्चा था मेरे वालद साहब आर्मी में ऑफिसर थे तो मैं उनके साथ चला गया वहाँ पर खारियाँ कैंट से मैंने बेसिक प्राइमरी की एजुकेशन हासिल की और वहाँ पर भी मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस करता था वहाँ पर मेरे पास वो आज तक कप पड़े हुए हैं विनर के फिर मैंने मिडल जो है वो कोटला रबलीहान एरिया वहाँ से की और वहाँ पर भी मैंने स्टेज पे स्पीक करके मैट्रिक में इनाम हासिल किया उसके बाद मैं रसूल खाले चला गया वहाँ पर भी थर्ड ईयर में रसूल कॉलेज में हाफतिया यूनिवर्सिटी जो कि हमारी गुजरात की बहुत यूनिवर्सिटी बड़ी है वहाँ के एक टीचर आए थे वहाँ पर भी मैंने स्टेज परफॉर्मेंस करके जो है वो इनाम हासिल किए उसके बाद यूरोप का जुनून था और घर वाले मानते नहीं थे 2006 में जब मैं तकरीबन 16 का था तो मैंने साइप्रस का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था उसके बाद 2011 में जो मैंने इटली का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था ये जर्नी मैंने आज तक किसी को नहीं बताई क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानते थे तो फिर मैंने 2011 में जब मैंने डी ए सिविल इंजीनियर की रसूल कॉलेज से डिप्लोमा किया तो फिर मैं यूरोप आना चाहता था और मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया पापा ने कहा यू आर ए स्मॉल बेबी अभी तुम छोटे बच्चे हो वालदे के लिए बंदा हमेशा छोटा ही रहता है तो फिर मैं यूरोप में पैदल आया पाँच साल मैंने पहले बिजनेस किया पाकिस्तान में मैं नामवर बिजनेस मैन भी रह चुका हूँ फिर मैं यूरोप में पैदल आया सात मुझे जेलें हुई पाकिस्तान से ईरान ईरान से तुर्की तुर्की से यूनान यूनान से मकडोनिया सर्बिया क्रॉस करते हुए मैं इटली आया इटली में मैं इटालियन पढ़ाता था इटली का स्टूडेंट पहले था इटालियन का फिर मैं इटालियन पढ़ाता था उसके बाद मैं पुर्तगाल में आ गया और अब मेरा यूट्यूब चैनल और एक आफिस और काफ़ी मैं दुनिया में मकबूल हो चुका हूँ जी सर माशाल्लाह ये अरसान भाई की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा फिल्मी है इनकी एक स्ट्रगल है बस एक फाइट होना बाकी है बाकी इन्होंने मोहब्बत के सारे रास्ते तय कर लिए हैं बाकी इन्होंने जितना भी बताया कि हमें यह पता लगा इनकी कहानी से इन्हें बचपन से ही तोहफ़े मिलने आपको यूरोप से क्या तोहफ़ा मिला अब तक मोहब्बत की कहानी खत्म हो चुकी जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा यूरोप से क्या यूरोप रहने वाली जगह है यहाँ पर जिंदा दिल लोग हैं परियों का पूरा बरेआज़म है लड़के भी बहुत हसीन है माया बाबे हर बंदा अपनी लाइफ में मगन है इंजॉय कर रहा है जिंदगी ये जी के जा रहे हैं ना के गुजार के जा रहे हैं जी सर पाकिस्तान के एक बहुत छोटे से इलाके से आपका ताल्लुक है मीन्स ये लोग जानते हैं इस एरिया को एक जाना आना है लोगों का लेकिन ये यूरोप कहाँ से आपके दिमाग में आया एक वो कौन सा पहला इस पार्क क्या था जिसने आपको यहाँ लाने के लिए

इन सब के लिए मशूरा ये कि इन्हें सिर्फ यूरोप में अगर ये सेटल होना चाहते हैं तो इन्हें इटली स्पेन या पुर्तगाल इन तीन कंट्रियों में से एक को सेलेक्ट करना चाहिए अगर वो नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो दुनिया में पुर्तगाल से बेस्ट कोई कंट्री हो नहीं सकता बिल्कुल बजा फरमाया इन्होंने और इनकी बातों से मुझे अभी एक और बात याद आ गई आ, बीच में यही डिस्कशन चल रहा था अभी मेरा और अरसान भाई का भी इससे वीडियो से पहले ही मैं यही कह रहा था इनसे कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगा और ये मना कर रहे थे खैर मैं ज़बरदस्ती कैमरा ऑन करके इनका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ ले नहीं पा रहा क्योंकि ये माहिरों के माहिर हैं सही है और मैं बिल्कुल नया हूँ तो ये भाई जो है हमारे इनसे हमने बहुत कुछ सीखा जो स्ट्रगल थी आपकी मीन्स एक होता है कि पूरा खुलासा जो होता है उसका आपने क्या कॉन्क्लूजन क्या निकाला आप क्या हमें सजेस्ट करेंगे कौन सा तरीके का लेना चाहिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए आने वाली यूथ जनरेशन है यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है एक बहुत मुल्कों का सरमाया है जो यहाँ आना चाहते हैं उनको एक बिल्कुल उनको एक ब्रीफली गाइड करें कि उनको कहाँ से उठना है पहला कौन सा स्टेप ऐसा लेना है कि वो निकल सकें क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा तो अभी अरसलान भाई बताएंगे गाइज़ लाइलमी से बड़ी कोई जहालत नहीं होती म एक लाजवाल दौलत है दस हज़ार किताबें पढ़ने से बेहतर है एक कामयाब और इलम वाले के साथ एक घंटा गुजारा जाए गाइज नया दौर आ चुका है दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है बजाय अपनी जान ज़ाया करने के बजाय सऊदिया दुबई कतर, कुवैत, मस्कत उमान में टाइम ज़ायाया करने के बजाय जाए जर्मनी फ्रांस स्वीडन डनमार्क सेलेक्ट करने के जो कंट्री आपको बुनियादें आपकी सेट कर रहा है ना आपके आने वाले बच्चों का फ्यूचर दे रहा है वो इमिग्रेशन से ही रिलेटेड हो सकता है और जो कंट्री वीजा दे रहे हैं आप उनका वीजा लेके शेंगर जोन में ओपन बॉर्डर है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव हो जाएं बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि ईरान की अम्बैसी कहां है लोग पैदल ईरान में घुस रहे हैं उनमें मैं भी था आगाज मैं अपनी बात पहले बताता हूं आज मुझे पता है कि लाहौर में जे रोड में एक अम्बैसी है जहां पर ईरान का वीजा लगता है लाइजी थी टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था जब मैं यूरोप में आया था मुझे यह नहीं था पता कि यूरोप में एक पुर्तगाल भी कोई कंट्री है मैं 2015 में यूरोप में आया था और पांच साल गुजारने के बाद मैंने पुर्तगाल को खुद ढूंढा है कोलंबस ने अमेरिका और मलक अरसलान ने पुर्तगाल को दरियाफ्त किया है ढूंढा है क्योंकि इससे पहले इतना इनका कोई नाम नहीं था पुर्तगाल दो हज़ार पंद्रह अठारह बीस के बाद दुनिया में वायरल होना शुरू है ऐसा समझिए कि पुर्तगाल को दुनिया में वायरल करने वाले शख्स का नाम मलक अरसलान है जिसने चलो चलो पुर्तगाल चलो कि एक तहरीक चला दी क्यों चलाई है गायज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री का स्टडी वीजा लें वहाँ पर एजुकेशन करें यहाँ पर आकर इमिग्रेशन अप्लाई कर लें बेहतर है आप पुर्तगाल में आकर स्टडी करें शेंगन वीजा किसी भी कंट्री का आप एडमिशन यहाँ पर ले लें डायरेक्ट पुर्तगाल का स्टडी वीजा अप्लाई करें मिल जाता है नहीं तो यहाँ पर डी टू वीजा अप्लाई कर लें डी सेवन अप्लाई कर लें नहीं तो यूरोप का जो जर्मनी अभी वीज़ा दे रहा है फ्रांस दे रहा है वहां का वीज़ा लें इमिग्रेशन आपके यहाँ पर अपलाई करें याद है गाइज ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो कि दुनिया की किसी भी कंट्री का वीज़ा इस ब्याह पे आपको मिल सकता है अम्बेसडर के आगे ना कोई मलक होता है ना कोई जट होता है ना कोई चौधरी होता है ना कोई जेंट होता है ना कोई कंसल्टेंट होता है सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जैसे कहते हैं कि अमलों का दार्मदार नीतू पर है ऐसे वीजा लगने का टोटल दारदार आपकी डॉक्यूमेंटेशन पर होता है और इमिग्रेशन मिलने का भी टोटल दारमदार आपके डॉक्यूमेंटेशन पर होता है ना कि आपके पास इलम कितना है और आप कितने ताकतवर हैं कितने दिलेर हैं कितना नॉलेज है सो so, आपने मॉडर्न दौर में सोशल मीडिया को ज्वाइन करें इससे सीखें हम जैसे लोगों को फॉलो करें मैं यही आपको बताने की और समझाने की कोशिश करता रहूँगा जी अरसलान भाई ने जो जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल दर हकीकत है इन्होंने बहुत मेहनत की है कि ये बिल्कुल सही गाइडियंस दें लोगों को क्यों क्योंकि हमारे माशरे के अंदर एक बहुत गलत चीज़ है कि हम लोग यूट्यूब को उठाते हैं और उसको सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वीडियो बना के उसके ऊपर पूरी लाइफ अपनी गुजारने का सोच लेते हैं लेकिन अरसान भाई से मैं एक सवाल पूछूंगा अरसान भाई की ट्रैवलिंग स्ट्रगल बहुत है उन्होंने मीन्स यहाँ गए यहाँ से वहाँ गए वहाँ से यहाँ गए अब आने वालों को मीन्स अभी भी मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग मुझे भी अभी ऐसे मिलते हैं जो यही रास्ता अपना के यहाँ पहुँच रहे हैं अब उनके लिए अरसान भाई क्या मैसेज देंगे उनको आप कम से कम एटलीस्ट हम ये तो अवेयर करें यार सीधा तरीका भी है जहाँ बीस लाख खर्च करो वहाँ आप दो लाख तीन लाख खर्च करके भी आ सकते हो तो अरसान भाई इसके ऊपर थोड़ा सा थोड़ी सी रहनुमाई करें अपनी असल में लालमी इसे बड़ी गुजाहलत नहीं होती मैंने पहले भी कहा है लोगों को अवेयरनेस की कमी है यार मैं खुद उन्हीं लो, लोगों में से शामिल हूँ एक गांव में ना यार अंदू में काना राजा होता है जिसको थोड़ी बहुत समझ होती है यार अब देखो ना जो कश्ती ग्रीस में डूब गई बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई कुछ कश्ती वाले लोग पूरे पाकिस्तान को पूरे जहाँ को उदास कर गए बिल्कुल सर ऐसी है हकीकत है हमारा बहुत बड़ा सरमाया और ऐसे बहुत सारी जानें और भी गई हैं जिनका हमारे इल्मों भी नहीं मौजूद होता कोई कहीं से आ रहा होता है कोई कहीं से आ रहा होता है बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ यूरोप आने के लिए अरसलान भाई की रहनुमाई हमेशा हमारे सरों पर रही है हम उनकी वीडियो से बहुत कुछ मैंने भी सीखा है मेरी यहाँ आने में जो मेरी एक स्ट्रगल थी मेरे यहाँ आने में अरसलान भाई की वीडियो ने बहुत ताउन किया है अरसान भाई अगले दस साल बाद अगर कोई आज आज मीन बिल्कुल इंस्टेंट कोई पाकिस्तान से यहाँ इंडिया से बांग्लादेश से फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब इफ एनी वन इज कमिंग आप उसको क्या मशवरा देंगे कि किस तरह आप उसको अगले पाँच साल छः साल बाद देखते हैं हंड्रेड परसेंट नेशनैलिटी होल्डर यूरोप की नेशनलिटी अगर आपकी जेब में है तो आप अमेरिका कैनेडा ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड दुबई सोदिया अजमान फजीरा रसल हमको इन हर जगह पर दिल के दरवाजे और ज़मीन पर क्लीन बिछा कर फूलों का हाथ डालकर आपका इस्ते करेंगे अगर कर आपके पास नेशनैलिटी हुई तो बेहतर है कि आप पुर्तगाल को चूज़ करें यूरोप की तरफ आएँ और यहाँ पर बिजनेस मैन बनने की कोशिश करें जी कौन सा मुल्क ऐसा है जो आसानी से वीज़ा देता है मीन जैसे जर्मनी हो गया इटली हो गया स्पेन हो गया उनका रेशियो कौन से मुल्कों का बहुत ज़्यादा रेशियो है आज के दौर में कि इजीली वीज़ा मिल जाएगा उसका एक गोरे की कोटेशन है ये बड़े गौर से सुनना है और बड़ा ज़बरदस्त वैलड क्वेश्चन है कि दुनिया में कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है अगर उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए जैसे छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है सीढ़ी में स्टेप्स होते हैं पहले पहले स्टेप पे आप कदम रखते हैं फिर दूसरे पे फिर तीसरे पे फिर आप एक बच्चा छोटा सा वो आपको पता है उसे चलने नहीं होता वो चार पाई या कोई माँ की सपोर्ट लेके चलना शुरू करता है और 20 साल के बाद मैराथन रेस में वो दौड़ रहा होता है ये लड़ने का गायज बहुत बड़ी अगर आपको पाकिस्तान से डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता तो आप वाया तुर्की वीज़ा लगाने की कोशिश करें वाया दुबई आने की कोशिश करें वाया बहरीन आने की कोशिश करें यह मिसाल आपके सामने मौजूद है पाकिस्तान में डायरेक्ट उनको पता है हर शख्स मुल्क हर शख्स जो है मुल्क छोड़ना चाहता है तो आपने क्या करना है आपने दुबई चले जाना है दुबई में थोड़ा सा रुकना है छः महीने साल वहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है छोटे छोटे कंट्री बाई बस दुबई से बाहर जाती हैं छोटी छोटे कंट्री में बसें वहाँ इन आउट की मोरें लगवा लेनी है वीजा बड़ी आसानी से मिल जाता है बैंक में थोड़े से पैसे अप डाउन कर लेने जो बीस लाख आपने लेबिया से एजेंट को दे के समंदर में अपनी जान की बाजी लगानी उसे है उससे बेहतर है कि आप दुबई की बाजी लगवा लें तुर्की की बाजी लगा लें बहरीन की बाजी लगा लें कतर कुवैत मस्कत जिस कंट्री का वीजा लगता है वहाँ पर जाके सेकंड स्टेप पर यूरोप को चूज़ करें और यूरोप में इस वक्त नैदरलैंड जर्मनी फ्रांस इटली और चेक रिपब्लिक इन कंट्री की वीज़ा रेशो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखी है आप गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हैं इन कंट्री की शेंगन विजिट वीज़ा की रेशो ज़्यादा थी और वर्क परमिट पोलैंड ग्रीस और माल्टा ये तीन कंट्री देते हैं इसमें आपने पॉसिबिलिटी देखनी है पूरी तैयारी करनी है जैसे जब जहाज ऊपर जाता है हेलीकॉप्टर तो बंदा एक वो किट पहनता है पैराशूट फिर फ्लाई करता है ऐसे ही आपने पहले से प्लान प्री प्लान करके दुबई कतर कवेत मस्कत में जाकर सैकड़ स्टेप यूरोप का लेना मैं यही कहना चाहूँगा अच्छा जैसे ये हमारी फ़्रेश वीडियो है उन यंगस्टर्स के लिए जो अभी आने का प्लान कर रहे हैं तो सवाल भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे ठीक है सही है आपसे पहला मेरा सवाल ये कि फॉर सपोज अगर कोई भी आ रहा है कहीं से भी आ रहा है ऐसी कौन सी स्किल डेवलप करे क्योंकि अभी उसके पास टाइम है तीन चार महीने पाँच महीने उसके पास हैं कि वो अपनी कोई स्किल डेवलप कर सकता है कोई काम सीख के आ सकता है या कुछ कर सकता है कि यहाँ की उसकी अर्निंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए उसको क्या आप मशूरा देंगे स्किल इंपॉर्टेंट होती है वैसे तो कहते हैं स्किल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट विल इज़ इंपॉर्टेंट आप कामयाबी के पीछे लग जाएँ लेकिन अगर आप कोई हुनर सीखेंगे जैसे हेयर कटिंग का है ये भी हुनर में आता है कुक ये इस वक्त स्किल्ड वर्क वो पुराना दौर जाता रहा जी फिलहाल बंदा जी तंदूर पे काम करता है या मतलब यहाँ पर ये स्किल्ड वर्कर में आते हैं या आप डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाएँ तो ही आप इस दुनिया में आने वाले वक्त में फॉरवर्ड नया आने वाला दौर यूट्यूबर का भी हो सकता है बिजनेसमैन बिज़नेस मैन जो है ना वलागर ये छोटे छोटे स्टेप हैं लेकिन अगर आप बिजनेस मैन बन जाते हैं तो आप सबसे बेहतर है आप कोशिश करें कोई लर्निंग सीखें कोई फन सीखें और छोटा लेवल का बिज़नेस अपने होम कंट्री में स्टार्ट करें ताकि आपके पास नॉलेज हो नेक्स्ट अगर आप यूरोप में आए तो आपके पास पहले से एक्सपीरियंस हो और उसी एक्सपीरियंस को आप कैश कर पाएँ जी अगर कोई जैसे आता है यहाँ तो उसके लिए क्या जॉब्स यहाँ मौजूद हैं और वो कितनी अर्निंग कर सकता है क्योंकि जो भी आएगा अपनी जॉब छोड़ के आएगा तो एक जहन में अपना माइंड बनाएगा क्या अर्निंग वो करेगा पहले उसकी मतलब क्या था? स्केल क्या है पे स्केल क्या है इस वक्त सेवन सिक्सटी बेसिक सैलरी चल रही है अगर आपने कटिंग का काम जानते हैं कुक हैं किसी तंदूर का काम जानते हैं या इस तरह हाई स्किल्ड वर्कर हैं तो आपको यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर फिश फैक्ट्रीज भी हैं वहाँ पर भी काम मिल रहा है के एफ सी मकडोनल बर्गर किंग इन में आप आते ही सिर्फ आपने फाइल ला करानी है और आप काम के लिए एलिजिबल हैं जी बिल्कुल सही इन्होंने फरमाया जो जो इन्होंने बातें की हैं वो यहाँ की बेसिक नॉलेज है और यहाँ ये आपको कोई नॉलेज देगा नहीं समझे जैसे आपके घर में आपका भाई है बड़ा उसी तरह अरसान भाई आपको सीधा रास्ता और गाइड कर रहे हैं अरसान भाई यहाँ असल में मैंने सुना था ऐसा कि यहाँ फैक्ट्रीज़ के अंदर भी बहुत जॉब्स होती हैं बंदा अर्न कर लेता है कोई फार्म पर भी बंदा अर्न कर लेता है ऐसा सीन है क्या देखें ना ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है घर बैठे उन्हें हीर नहीं मिलती जो रंज है झांग नहीं, नहीं जानता मैं हर वीडियो में लोगों को बताता हूँ हर वीडियो में मोटिवेट करता हूँ ढूंढने से ना बंदा कुछ भी अचीव कर सकता है लोग तो चाँद पर चले गए हैं यार चाँद तक लोगों की रसाई होगी आपको ज़मीन पर काम नहीं मिलेगा ये आप लोगों की नायली होगी अगर आपको काम नहीं मिलता जहाँ पर इंसान बस रहा है जहाँ पर इंसान सांस ले रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन खाना पीना एवरी प्रोड्यूस हो रही है अगर आपको काम नहीं मिलता तो आप काम ईजाद करने की ताकत आप में होनी चाहिए जी बिल्कुल इन्होंने सही बताया उसके बाद अरसलान भाई एक बताइएगा जो रहने का है मतलब अगर जैसे कोई किसी कंट्री से आ रहा है और यहाँ उसको रहना भी ऑब्वियसली बात है लिविंग डेली कॉस्ट है उसकी तो उसको रूम क्या रेंट पे मिलेगा बेड स्पेस मिलेगी रूम मिलेगा उसका खाने पीने का खर्चा क्या होगा सब इस वक्त बेड स्पेस जो है टू के करीब चल रही है जब मैं आया था तो वन थी हंड्रेड परसेंट तरक्की की है आगा रेंट आगा। ने इंक्रीज हुआ है उसके अलावा आप पर्सनल रूम भी ले सकते हैं आइडिया लिस्टा ऐप है और आप मार्केट प्लेस पे भी जाके अपनी बेड स्पेस या रूम के लिए देख सकते हैं पॉसिबिलिटीज उसके अलावा यहाँ पर आप छोटा अपार्टमेंट जो है टी ज़ीरो टी वन वो फैमिली के लिए वो भी चल सकता है वो छः से आठ यूरो के दरमियान मिल रहा है शहर से बाहर निकलेंगे तो पाँच में अच्छा आपको टी भी मिल सकता है लेकिन सिटी के अंदर इस वक्त रिश का मिलना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है जैसे जर्मनी और स्विट्जरलैंड की इमिग्रेशन बहुत टाफ़ है ऐसे ही पुर्तगाल में रिहायश लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है जी ओके okay. अच्छा ये तो हमारी एक रिहायश हो गई हमारा उसके बाद जॉब का हो गया खाने पीने का यहाँ क्या सीन है कि मतलब हमें हलाल हराम का चक्कर है इंडियन पाकिस्तानी फूड है इस सब का क्या कहेंगे आप जब मैं आया था तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं थे इस वक्त माशाल्लाह से तकरीबन पाँच के करीब रेस्टोरेंट है बंगाली बाजार एक बहुत मशहूर स्ट्रीट है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वहाँ पर इवन पाकिस्तानी स्टाइल की कुल्फियाँ वो तिक्के कबाब चरगा वो सारा देसी निज़ाम दाल सब्ज़ी बिरयानी मटन कढ़ाई आटे वाली रोटी नान ये सब कुछ मिल जाएगा और पाकिस्तानी वहाँ पर आना है और पाकिस्तानी बह रहे हैं लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए आपको सर्विस देने के लिए तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें इस हवाले से खाना अलाल मिल जाता है यहाँ पर छोटी छोटी मिनी मार्किट्स यहाँ पर आपको पाकिस्तानी स्टाइल के कसाब्स और गोश्त वगैरह की शापें मिल सकती हैं जी ये तो इन्होंने दिल की बात कर दी है आज क्या खिला रहे हैं फिर बिरयानी सर मेरी तरफ से आप बस ये इन्होंने कराची वालों की तरह एक बात की है कि बिरयानी इनको पता है कि हमारी कमज़ोरी बिरयानी है तो हम इनसे ज़रूर बिरयानी भी खाएंगे और चाय भी पियएंगे और फिर बोलेंगे सही है जहाँ तक ये चले एक नॉर्मल सारी हो गई चीज़ें सारी हमने बातें कर ली अगर कोई बंदा एजुकेशन के पर्पज़ से आना चाहता है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे एजुकेशन पे आए विजिट पे आए क्या उसको किस तरह आप उसको घुमाएंगे मतलब उसको बताएं बिल्कुल ऐसा ही है उसको घुमाना है जो गोल चक्कर है गोल चक्कर नहीं असल में उसको डायरेक्ट उसके दिल में तीर में मारता हूँ कहता है कि असली निशानेबाज वो है जो दिल पे सीधा तीर मारे और असली खिलाड़ी वो है जो गिरते ही उठता है ठीक है हर नाकाम कोशिश के बाद एक कोशिश और कर लेनी चाहिए अगर आपका स्टडी वीज़ा किसी कंट्री का रिजेक्ट भी हो गया आप दोबारा से अप्लाई करके कर देखें और याद रहें अगर आपने स्टडी के लिए आना है तो आपको पुर्तगाल चूज़ करना चाहिए अगर पुर्तगाल आपको वीज़ा नहीं देता किसी और कंट्री का वीज़ा लेके फिर भी स्टडी यहाँ पर आप स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि जैसे ही आपको कार्ड मिला आप स्टार्ट में स्टडी भी कर सकते हैं साथ में जॉब भी कर सकते हैं पाँच साल में आपको उधर डिग्री मिली उधर नेशनलिटी मिली बाकी कंट्री में आपको डिग्री तो देंगी नेशनलिटी इवन पेपर भी नहीं देंगे जॉब नहीं मिली तो आपको होम कंट्री जाना पड़ेगा वो छोड़ के वो कंट्री इसलिए आपको जर्मनी चेक रिपब्लिक स्वीडन लथवानिया लटविया एस्टोनिया किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा मिलता है तो आपको चाहिए आप पुर्तगाल में ही आगे आगे आपको स्टडी को कंटिन्यू करें इवन शेंगन वीज़ा भी मिलता है तो आप पुर्तगाल में आपको स्टडी को कंटिन्यू करें ताकि पाँच साल में आप नेशनलिटी के पास हों आपकी स्टडी तो हो ही जाएगी लेकिन नेशनलिटी भी साथ में मिल जाएगी एक के साथ एक फ्री चोपड़ियाँ नाले दो दो जी अच्छा मौसम का बहुत इशू रहता है कि मतलब जो एशियंस हैं उनके दिलों में ये रहता है दिमाग में भी ये चल रहा होता है और मौसम कहाँ का अच्छा है कि कहाँ बंदा आगे की सेटलमेंट्स लाइफ ही कर सकता है तो मौसम के हवाले से कौन सा मुल्क बेहतरीन है सबसे ज़बरदस्त जो वेदर है ना पाकिस्तानी इंडियन लोग हल्के से गर्म मौसम और हल्के से ठंडे मौसम में इनकी जो है बर्थ और इनकी जो है डिवेलप होती है सारी इनकी जिसामत तो ये ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी अरब में आप देखें ना वो 55 के ऊपर ऊपर है टेम्परेचर वो बंदे को स्किन जो है आपकी जल जाएगी और आप चले जाएँ डनमार्क नार्वे में तो वहाँ बर्फबारी नहीं रुकती कैनाडा जो है वो बर्फ़ का जो है घर बना हुआ है बर्फ़ वो 365 डेज दे आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो जो है बर्फ़ की क्लोजिंग चाह रही है स्नो फॉलिंग हो रही है तो पुर्तगाल में ना ही ज़्यादा सर्दी है ना ही ज़्यादा गर्मी है तो आप चिल कर सकते हैं इन्जॉय कर सकते हैं और जितने भी लोग यूरोप में हनीमून मनाने के लिए आते हैं तो पुर्तगाल से बेहतर उनके लिए कोई जगह नहीं हो सकती जी बिल्कुल ऐसी है अभी भी बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई है मीन्स यहाँ होटल्स में जगह नहीं है यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो अपनी पहले से कम से कम महीना महीना पहले बुकिंग करवा के आ चुके हैं अब काम की बात पे आते हैं काम की बात वो दरअसल ये है कि फाइल लॉक कितने टाइम में हो रही है मीन्स आने के फ़ौर बाद बंदे को पहला काम क्या करना है क्योंकि अरसान भाई का हमारा यहाँ कंसल्टेंसी का भी काम है ये एक माशाल्लाह इनका एक अच्छा काम चल रहा है इनको पूरे पोर्चुगल में इनको लिस्बन में लोग जानते हैं तो इनसे इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि फाइल लॉक कितने दिन में हो रही है कितना खर्चा हो रहा है पाकिस्तान से यहाँ आने के बाद यहाँ कदम रखने के बाद कितना ख़र्चा शुरू होगा और कहाँ आके रुकेगा बहुत जबरदस्त वैलड क्वेश्चन हर बंदा जो पुर्तगाल में उतरेगा उसकी पहली रिक्वायरमेंट जैसे रिहाइश होती है खाना होता है ऐसे ही डॉक्यूमेंट के वाले से वो है फाइल लॉक फाइल लॉक पे गैज कोई खर्चा नहीं आता जस्ट आपने फिनांस की अपॉइंटमेंट लेनी है लाइन में लगना है फिनांस बन जाएगा सोशल के ऑफिस जाना है आपके पास जॉब कंट्रैक्ट हो तो जल्दी सोशल नंबर आ जाता है आपने सोशल नंबर अप्लाई कर लें उसके बाद आपने जब कंटिन्यू करनी है जैन कंट्रैक्ट के साथ फिर आपने सेफ में इंट्री अपनी करा लेनी है फाइल ला करा लेनी और अपना जो है प्रोसीजर स्टार्ट करना है इसमें आपके दस दिन भी लाग सकते हैं और दस माह भी ला सकते हैं असल में आपकी जॉब पर आके आपको जॉब कब मिलती है आपने सोना नहीं है गाइज़ अक्सर लैंग्वेज में कहते हैं कि सुते हैं तो कट्टे होंगे ना इटालियन में कहते हैं कि दूर में नॉन पिलिया पीछे जो लोग सोते हैं वो मछली नहीं पकड़ सकते आपने आते ही जाप रिसर्च करनी है जाप ढूंढनी है काम पर लगना है उसके बाद फाइल करनी है लेकिन फिनांस और सोशल और बाकी डॉक्यूमेंट गार का जुनता वगैरह ये आते ही आपने प्रिपेयर करने और साथ में पीसीसी सी सी आपने याद रखना है पाकिस्तान की पीसीसी सी की आपको जरूरत है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपने वक्त से पहले बनवा लेना है ताकि एंड पे अम्बेसी पुर्तगाल जो इस्लामाबाद में है वो नहीं देती अपॉइंटमेंट तो लोगों के अक्सर फालते आ जाते हैं फाइल लाख या फिंगरों का टाइम आता है तो ये सबसे बड़ा इशु आ रहा है इसको आपने रिकवर रखना है और याद रखना है जी दो शेर अरसा भाई ने सोने के ऊपर सुना है मैं तीसरा सुना के इसको शराइ कर देता हूँ जो सोया वो खोया जो जागा वो पाया अब इसी है इसी बात के साथ हम इनसे एक छोटी सी और बात पूछेंगे अगर इनकी फाइल लॉक जैसे बेसिकली किसी की हो जाती है यहाँ बहुत सारे एजेंट्स हैं लेकिन किसी के पास भी कोई वैलिड नहीं है मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जैसे एक बाजार के अंदर बहुत सारे दुकानदार मिलेंगे ये हमें कैसे मिलेंगे इसका अरसलान भाई खुद बताएंगे ज़बरदस्त मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मौजूद है मेरे ही चैनल पर आपने जस्ट मैसेज करना है छोटा सा और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है गाइस याद रखें एक अच्छा काबल बंदा आपके फ्यूचर को बना सकता है और एक नादान ना अहल ना नाकाम काम हकीम आपकी जान का खतरा है आपके फ्यूचर का खतरा है और आपकी आने वाली नस्लों को भी वो डी ट्रैक कर सकता है अब तक के लिए इतना ही मुझे और मेरे दोस्त को इजाज़त दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट किस इंफॉर्मेटिव वीडियो में अल्लाह अल्ला हमीसर